नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अपना इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन शुरू किए थे, उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ पर आज नाउन शुरू करने वाले हैं। एक चीज़, हाँ दोस्तों, जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब पर जाकर प्रज्ञान पाठशाला का फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप पहला सेक्शन पार्ट वन अगर आप जाकर देखेंगे, आपको वहाँ से एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता चल जाएगा। आप जानते भी होंगे बट एक बार देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसको डाल देंगे, हम उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन। ज़्यादा हम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है दोस्त? संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। आपसे कोई पूछेगा संज्ञा क्या होता है तो आप बोलेंगे सर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ट्रू। किसी को पूछते हैं तो बोलते हैं सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर राइट। मतलब जब किसी चीज का हम लोग नाम रख देते हैं, नाम बता देते हैं, तो वो हमारा संज्ञा कहलाता है। चाहे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, एवरेस्ट, पटना, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, वॉट एवर यू में से, ऑल आर नाउन। सब नाउन है, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर जैसे हम लोग देखें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी एग्जाम्पल दे दें, राम लिख सकते हैं, सीता लिख सकते हैं, पटना लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं, यू मे राइट एनीथिंग, बट वो नाम स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि हम लोग किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी जगह का नाम, जाति का नाम हम लोग बोलें, वो सब नाउन कहलाता है दोस्त। तब बात करते हैं नाउन कितने तरह का होता है। नाउन जो है हमारा पांच तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा होता है मटेरियल नाउन, जिसको कि हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और एक दो तीन चार, और लास्ट जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको कि हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं जातिवाचक। दोस्त मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट ट्राई टू मैनेज इट बिकॉज हम लोग को यहाँ ज्ञान चाहिए। मटेरियल, इसको बोलते हैं द्रव्य वाचक। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूह वाचक। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाव वाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम लोग सबका ब्रीफ समझते हैं दोस्त। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग जानते हैं नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर, किसी खास चीज के नाम को, किसी खास चीज के नाम को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं दोस्त। अब एक चीज़ यह ध्यान रखेंगे, हम लोग अपने आम जनजीवन में, अपने आस पड़ोस में जो भी चीज़ देखते हैं, अधिकांशतः चीज़ वो नाउन होता है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं, दैट इज नाउन। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं राम, खास नाम है। द गीता,
कुरान बाइबल सबके नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। ये हमारा क्या है, खास नाम है मुंबई इंडिया, ये सब क्या है, सब खास नाम है। द गंगा द पैसिफिक ओशन, ये सब हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन में आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, खास, देर मस्ट बी सम स्पेसिफिक, यू नो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है दोस्त जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब क्या होता है, दिस वर्ड जाति इट सेल्फ शोज कि किसी हम कम्युनिटी की बात करते हैं, किसी समुदाय की बात करते हैं, कॉमन है, एकदम आम है। जैसे आप, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे एक छोटा एग्जांपल है, चेयर, बेंच, लड़का, लड़की, टीवी। क्या होता है कि बहुत सारा लड़का हो सकता है, लड़कों का एक पूरा सेट हो सकता है, लड़कियों का एक सेट हो सकता है, बेंच का जो एक तरह दिखने वाले, कैसा बोलेंगे, एक तरह का दिखने वाले बहुत सारे लोग। जैसे एक कुर्सी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो कुर्सी में क्या होता है, उसका चार पैर होता है, हम लोग उसमें बैठने का एक स्पेस होता है। इस तरह का चार पैर और बैठने का स्पेस वाला जो भी इस स्ट्रक्चर का जितना भी चीज होगा सब चेयर कहलाएगा। अगर हम अपने आप को एक लड़का और या आदमी जो भी समझते हैं, इस तरह का दिखने वाला जितने भी लोग होंगे सब लड़का या आदमी कहलाएंगे, उस तरह से लड़कियां भी कहलाएंगी, उसी तरह से बेंच कहलाएगा, कुर्सी कहलाएगा, ये जो भी होगा उसके पूरे समूह को जिस नाम से हम लोग संबोधित करते हैं उसको हम लोग जातिवाचक बोलते हैं। जैसे अगर कोई बोले बॉय, गर्ल, चेयर, बेंच, इटीसी, इस तरह कोई भी हो जिसे पूरी की पूरी समुदाय का बोध, कम्युनिटी का बोध होता है दोस्त, पूरे कम्युनिटी का बोध होगा। अगर कोई लड़का बोलता है तो लड़का मतलब सिर्फ एक लड़का का बात नहीं होगा, लड़का का मतलब होता है पूरा लड़का। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। अगर बच्चे नटखट होते हैं मतलब क्या, कोई एक बच्चा नटखट है, नहीं, ये बच्चे का जो पूरा समुदाय है ना, पूरा ग्रुप है, चाहे वो हमारे घर का बच्चा हो, चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे किसी घर का बच्चा हो, इन जनरल बात करते हैं, बच्चा स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। कोई एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो एक बच्चा बहुत नटखट है, तो एक बच्चा बहुत शांत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक बॉय और गर्ल और चिल्ड्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। इन जनरल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सबके लिए एक जैसा बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जातिवाचक की बात करते हैं दोस्त। अगला होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब इस शब्द से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि मटेरियल जैसा कोई चीज होगा, मटेरियल कोई वस्तु जिसको कि हम लोग नाप तौल सकते हैं दोस्त, जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं। जैसे कोई वस्तु ले लेंगे, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, चाहे हम लोग आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह का चीज़ खरीदते हैं, सोना चांदी कुछ भी हम लोग खरीदते हैं इस तरह का, जिसको कि हम लोग नाप तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द सबस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन बोलते हैं उसको, मटेरियल बोलते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ हम लोग जैसे बात करते हैं ना, भौतिक चीज़ है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूध, दूध को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, हाँ, दही, दही को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। अगर हम लोग आयरन खरीदते हैं, लोहा को किलो में देखते हैं। कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं, कपड़ा को लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर आयरन लिख सकते हैं, आप जैसे कोई भी मेटल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी मेटल का आप नाम लिख लेंगे वो आप लिख सकते हैं। मिल्क हो सकता है,
आपका कर्ड हो सकता है, आपका घी हो सकता है, इस तरह का कोई भी आप एग्जांपल लेंगे सब हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। अगला होता है कलेक्टिव नाउन। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो कलेक्टिव मतलब क्या हो रहा है, कलेक्टिव एक कलेक्ट की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है समूहवाचक नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है, जब एक कोई खास ग्रुप की बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे हम लोग कोई बच्चा आपके घर में, हमारे घर में, अभी आस पड़ोस में आप देखे होंगे, कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो स्कूल से किताबें मिलती है, स्कूल से एक लिस्ट मिलता है जिसमें बच्चे लोग किताब खरीदते हैं, जैसे क्लास फोर हो, फाइव हो, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, वट एवर इट में भी, वो लोग एक किताब खरीदते हैं जिसमें किसी किसी स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स का संख्या हो सकता है, किसी स्कूल में पांच सब्जेक्ट होता है, किसी में आठ सब्जेक्ट होता है, किसी में दस सब्जेक्ट होता है। तो किताबें जब अलग अलग होती हैं तो उसको हम लोग किताब बोलते हैं। जब उसका एक सेट बना दिया जाता है, मतलब दस किताब का एक सेट, दैट सेट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारे स्कूल में क्लास होता है, क्लास फाइव का बच्चा, उस क्लास फाइव के में हो सकता है दस बच्चे हों, बीस बच्चे हों, तीस बच्चे हों, चालीस बच्चे हों, बस उस चालीस बच्चों का जो एक क्लास कहलाता है उसके ऊपर लिखा रहता है क्या, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट। तो दैट क्लास इज नथिंग बट कलेक्टिव नाउन। आप कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे पुलिस का, पुलिस का एक ग्रुप होता है जिसको कि हम लोग आर्मी बोलते हैं। चाबियों का गुच्छा होता है जिसको हम लोग बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। दैट बंच इज व्हाट, दैट बंच इज कलेक्टिव नाउन, दैट सेट इज कलेक्टिव नाउन, एंड दैट क्लास इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। इस तरह का बहुत सारा होता है। फूलों का गुच्छा को हम लोग बुके बोलते हैं दोस्त, फूलों का गुच्छा को हम लोग बुके बोलते हैं। इस तरह से हम लोग फ्लॉक ऑफ शिप्स बोल सकते हैं, हर्ड बोल सकते हैं, कैटल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मवेशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग ज़रा कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा, जैसे एग्जांपल दें, बंच हो सकता है, फ्लॉक हो सकता है, हर्ड हो सकता है, आपका इस तरह का कोई भी आर्मी हो सकता है, आपका क्राउड हो सकता है। क्राउड मतलब भीड़, जैसे लोगों का एक समुदाय उसको क्राउड बोलते हैं। इस तरह का हम लोग कोई भी एग्जांपल लें, ये सब हमारा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है दोस्त, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं दोस्त, देखिए भाववाचक संज्ञा, भाव। अब यहां पर बोलेंगे सर इसको एबस्ट्रैक्ट नाउन को न हम लोग देख सकते हैं, न हम लोग छू सकते हैं, तो सर क्या है, इसको हम लोग सिर्फ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम आपको बता सकते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत चतुर हैं। तो यहां ईमानदार और चतुर क्या है, दीज टू वर्ड्स आर एग्जेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर आप तो यहां नाउन पढ़ा रहे हैं, सर एडजेक्टिव क्यों बता रहे हैं। ओके फाइन, तो जो ईमानदार का ईमानदारी हम बना दें, चतुर से आपकी चतुराई बता दें कि आपकी चतुराई बहुत कमाल की है, आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी है, दैट ईमानदारी या फिर चतुराई जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव। जैसे हम बोलते हैं सीता बहुत सुंदर है, सीता इज ब्यूटिफुल, लेकिन अगर हम यू बोल दें कि सीता की सुंदरता बहुत अच्छी है, द ब्यूटी ऑफ सीता, एंड दैट ब्यूटी इज वॉट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर क्या हो गया, ब्यूटी, ब्यूटी हो सकता है, हमारा ऑनेस्टी हो सकता है, इस तरह का जो भी हम लोग वर्ड करते हैं जिसको कि हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब एक छोटा सा हम लोग काम कर लेते हैं, सबका छोटा छोटा
एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके एग्जाम में सेंटेंस लिखा रहता है, सेंटेंस में हम लोग को पहचानना होता है कि वो सेंटेंस में वो जो गिवन वर्ड है वो कौन सा नाउन है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस है, सोहन हैज अ रेड कार। सोहन हैज अ रेड कार, तब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन कौन सा नाउन है। पहले तो आपको नाउन बताना है और फिर ये बताना है कि वो कौन सा नाउन में क्लासिफाई होता है। तो यहां पर हमको दिखता है एक सोहन एक नाउन है और दूसरा कार एक नाउन है। हम लोग अभी बाकी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग फर्दर क्लास में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डिटरमिनर पढ़ेंगे, सारा कुछ चीज पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन वगैरह सब पढ़ेंगे। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नाउन। ओके फाइन, तो सोहन हमारा कौन सा नाउन है? तो सोहन हमारा चूंकि नाम है, किसी वस्तु नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन। कार क्या है? कार तो सर बहुत सारा हो जाता है, कार हमारे पास भी है, कार आपके पास भी होगा, कार हम सबके पास है, हमारे सोसाइटी में सबके पास कार होगी, तो क्या बोलेंगे? कार हमारा एक कॉमन नाउन होगा, यानी कि कार हमारा कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। तो इस वाक्य में दो नाउन का यूज किया गया है, वन इज सोहन, अनदर वन इज कार। कार बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन एंड कार इज हियर कॉमन नाउन। सोहन प्रॉपर, कार कॉमन। ठीक है, हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक छोटा सा चीज और हम आपको बताते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, सीता। सीता और सीता क्या है? एक लड़की है। सीता क्या है? एक लड़की है। तो इस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक करने के लिए, सीता एक लड़की है। सीता एक लड़की है, यहां पर सीता क्या होगा? सीता जो होगा ये प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? सीता किसी का नाम है, खास नाम है, स्पेसिफिक है, तो सीता हम नाम है तो सीता क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सीता तो एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल, तो अब गर्ल लड़की है तो लड़की क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देना है कि सीता लड़की है तो सीता किसी का स्पेसिफिक नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन और गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस तरह का दोस्त हम लोग के एग्जाम में अलग अलग तरह का सेंटेंसेस आएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंटेंस में कौन कौन सा नाउन है, उसको सर्कल कीजिए और उसके बाद उसको नेम दीजिए कि वो कौन सा नाउन में बिलोंग करता है। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़े दोस्त, ये सारा हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से पढ़े। आप बोलेंगे सर ट्रेडिशनल क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है, तो आपको छोटा सा एग्जांपल दे दें, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। कहीं स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि ये ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, थोड़ा सा आप समझेंगे ये कि जो ग्रामर की किताबें या उसका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमिंग किया हुआ है 1990 या उसके पहले जो भी लिखी गई किताबें हैं, उसको ग्रामेरियन लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के नाम से बुलाते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है दोस्त, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिल सकता है। और जो 1990 मतलब 1990 के बाद से जो किताबें आ रही हैं उसमें हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर लोग बोलते हैं। तो ऐसा समझेंगे हम लोग, चूंकि दोनों पढ़ेंगे सर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों के पास दोनों का फ्लेवर हम लोग को मिलता रहे, ताकि कहीं से भी कोई बात करे तो हमसे कोई चीज़ छूटे ना। चलो, ये तो था हम लोग नाउन पढ़े ट्रेडिशनल ग्रामर से, अब थोड़ा हम लोग मॉडर्न के हिसाब से पढ़ लें। दोस्त अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हमारा नाउन जो होता है तीन तरह का होता है। कुछ किताबों में दो तरह का लिखा होता है, बट हम आपको जस्ट बता दें, एक छोटा सा हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं। नाउन जो है दोस्त, एक होता है प्रॉपर, हम लोग जो भी पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है दोस्त काउंटेबल नाउन। तीसरा होता है दोस्त
अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल, आप समझने की कोशिश करें, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और बहुत सारी किताबों में आपको ये दोनों नाउन भी, सॉरी ये दोनों नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये दोनों प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन को एक माना गया है। बहुत सारी किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत सारी किताबों में ये तीनों अलग अलग आपको मिलेगा, इसलिए बिल्कुल इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर मेरे पास तो किताब है उसमें सर तीनों अलग अलग लिखा है, तो कोई बच्चे ये बोल सकते हैं सर मेरे पास जो किताब है उसमें तो सिर्फ दो ही लिखा है सर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एंड दिस वन इज नॉट काउंटेबल। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये क्यों काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है या अलग है, कैसे है, हम आपको सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की ट्राई करते हैं। अब इसमें क्या है, काउंटेबल में दो आ जाता है दोस्त, और अनकाउंटेबल में भी दो आ जाता है, अगर हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए साइड करके चले तो। चलो इसको थोड़ा देर के लिए साइड रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने देते हैं। ये हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन काउंटेबल में आ जाएगा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कलेक्टिव को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी कि दो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, दो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन तो यहाँ है ही, देखिए हम लोग का पाँचों हो गया ना, 1, 2, 3, 4 और 5। हम लोग जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे, पाँच था हम लोग के पास, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों नाउन हम लोग के पास यहाँ पर है। मॉडर्न में क्या हुआ, इनको उतना ज़्यादा इस ब्रॉड करने के बजाय छोटा कर दिया गया। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग चीज़ों को बहुत कॉन्साइज, प्रिसाइज करने लग रहे हैं, पहले बहुत ब्रॉड होता था, अब धीरे धीरे उसको सिमट के छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया, जिसमें कि हम लोग कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को दोनों को हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को साथ में कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन कुछ किताबों में क्या है कि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में ही प्रॉपर नाउन भी आ जाता है, प्रॉपर नाउन भी आ जाता है यहाँ पर जो एक नंबर है। इट मीन्स वॉट, देर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए ढक दें तो, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, क्लियर है। चलो अब एक अगर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, अब आपको जस्टिफाई करते हैं कि वाई दिस नाउन कंसिस्ट ऑफ दिस टू एंड वाई दिस थ्री बिलोंग्स टू अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग दोनों को ट्राई करते हैं समझने का एग्जाम्पल के थ्रू। चलो पहले हम एक करके समझते हैं, हम लोग सबका एग्जाम्पल लिखेंगे फिर समझेंगे। प्रॉपर नाउन क्या बोलते थे, एग्जाम्पल था इसका राम, सीता, गंगा, इस तरह का नाम था। कॉमन नाउन में क्या था दोस्त, बॉय, गर्ल, इस तरह का था। कलेक्टिव नाउन में क्या था, आर्मी था, सेट था, क्लास था, ये हमारा क्या था, कलेक्टिव नाउन था। मटेरियल नाउन में क्या था दोस्त, मिल्क था, कर्ड था, इस तरह का कोई भी सारा एग्जांपल था, इसका मेटल था जो हम लोग पढ़ रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, ब्यूटी था, हमारा और क्या था दोस्त, क्या लिखे थे, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, चलो इस तरह का एग्जांपल था, फटाफट हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ समझेंगे, काउंटेबल नाउन में हम लोग लड़का को काउंट कर सकते हैं, यस देर आर 5 बॉयज, देर आर 6 गर्ल्स, देर आर 10 बेंचेस इन आर क्लास, इस तरह से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ओके, सो इट इज काउंटेबल, ओके। आर्मी, एक आर्मी में 100 लोगों का समूह है, 100 सेना का, 100 फौजियों का समूह है, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं। एक क्लास में, एक स्कूल के अंदर में 10 क्लास हो सकता है, 20 क्लास हो सकता है, बिकॉज उसमें सेक्शंस हो सकते हैं। एक क्लास में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, वट एवर इट में भी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, हम लोग वहाँ पर क्लास में बच्चों की संख्या हम लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो ये दोनों कर दिया, अब यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट बोले तो अनकाउंटेबल, किसी की ब्यूटी को क्या आप काउंट कर सकते हैं, किसी की ब्यूटी को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, ब्यूटी कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी जस्ट फेल्ट, तो ब्यूटी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। दूसरा ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आप कैसे हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, बताना इट इज क्वाइट टफ, सो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आप बहुत ईमानदार हो सकते हैं, आप कनिंग हो सकते हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, आपके अंदर में सारी खूबियां हो सकती है,
कोई भी चीज पॉसिबल है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. सो व्हाट इज दैट, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. मटेरियल नाउन, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं, दही को मेजर कर सकते हैं, बट हम लोग काउंट नहीं कर सकते. पानी को बोल सकते हैं ये 1 लीटर पानी है, ये 20 लीटर पानी है, लेकिन ये नहीं बोल सकते ये 1 पानी है, 2 पानी है, 4 पानी है. बॉटल को काउंट कर लेंगे दोस्त, ये 4 बॉटल पानी है, बट पानी को काउंट नहीं कर सकते. वी कैन काउंट बॉटल्स, नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग काउंट नहीं करते, उसके अंदर कितना पानी कंटेन करता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं कि भैया उसमें 1 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है, बट पानी को काउंट नहीं कर पाते हैं. इसलिए इस तरह से हम लोग समझेंगे ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है. तो आप बोलेंगे सर आप तो ये बता दिए, अब ये प्रॉपर नाउन वाला खेला क्या है? अब देखिए इसका खेला क्या होता है दोस्त. अब हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम राम है, इसको काउंट करके बताइए. तो कैठो राम है, कितना राम है काउंट करके बताइए. सर ये गंगा नदी है, गंगा नदी को गिन के बताइए. तो गंगा नदी कितना गंगा नदी है, गिनिए. आप गिन सकते हैं उसको, काउंट कर सकते हैं. सीता है सर, सीता कितनी सीता है, काउंट करके बताइए. क्लास में सर सुजीत है, सुजीत कितना सुजीत है, काउंट करके बताइए. आप सो काउंट नहीं कर सकते, सुजीत को काउंट नहीं किया जा सकता, सुजीत कैन नॉट बी काउंटेड. तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है. बहुत सारे बुक्स में, फॉरेन राइटर की किताबों में या बहुत सारी किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. जैसे हम यहाँ पर मेंशन किए हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारा काउंटेबल नाउन में होता है. बट बहुत सारी किताबों में आपको प्रॉपर नाउन भी अलग से मिल जाएगा. तो इस तरह से हमारा सारा नाउन हो जाता है दोस्त. अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. जैसे आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है, उस क्वेश्चंस में आपको बताना होता है कि जो गिवन नाउन है, जैसे हम लोग अभी एक सेंटेंस पढ़े थे, सेंटेंस देख रहे थे, उसमें आपको बताना है कि जो नाउन है वो किस नाउन के कैटेगरी में बिलोंग करता है और वो या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. ठीक है, ऐसा करके आपको बताना है. तो हम लोग कैसे बोलेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास. देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास मतलब मेरे क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं. तो अब आपको इसमें यह बताना है कि इसमें नाउन कौन कौन सा है और ये नाउन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. तो हमारा, हमको जैसा दिख रहा है यहाँ पर, गर्ल्स एक नाउन है, क्लास एक नाउन है. तो यहाँ पर गर्ल्स कौन सी है भाई, गर्ल्स देखिए कहाँ है, गर्ल इसमें है. हम लोग काउंट कर सकते हैं इसको, यस काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है. क्लास हमारा देखिए कलेक्टिव नाउन है, इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं. ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन है, यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हो गया. इस तरह से हम लोग समझेंगे कि इस तरह का आपको सेंटेंस आता है एग्जाम में, चाहे वो आप एकेडमिक्स हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में दे रहे हो. चूंकि ये बेसिक्स है हमारा, तो वी शुड नो हाउ इट गोज. तो इसको हम लोग को समझना है. तो सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अगर इस तरह का वाक्य लिखा हो, यू हैव टू टेल कि दिस जो नाउन है और एक नाउन ये है, दोनों किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. यू जस्ट नेम टू स्पेसिफाई इट कि दिस बिलोंग्स टू इसमें या उसमें. तो इस तरह से दोस्त हम लोग एक नाउन का एक छोटा सा ब्रीफ पढ़े हैं. अब इस तरह करके हम लोग प्रोनाउन का छोटा सा ब्रीफ पढ़ेंगे. हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग अपने मुद्दे पे आएंगे दोस्त. क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा लेवल दोस्त इससे थोड़ा सा बेहतर होता है, इससे थोड़ा बेहतर होगा लेवल और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोग को सीखना. आपके पास जो भी ग्रामर किताबें हों उसमें आप देखने की कोशिश करेंगे. जहाँ पर भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे. जो भी प्रॉब्लम होगा आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रेक्टिफाई इट और रिस्पॉन्ड इट. ओके दोस्त, चलो बाय दोस्त.